नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान अंसार अज़ीज़ नदवी और आप इस वक्त सीधी बात चैनल के खुसूसी प्रोग्राम ज़िक्र मेरे हबीब का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम ज़िक्र मेरे हबीब का प्रोग्राम की 160वीं किस्त पेश करेंगे। गुज़श्ता हफ़्ते आपने देखा था और सुना था कि दावत इस्लामी के मुकाबले अवाम के मुख्तलिफ तबक़ात किस तरह का रद्दमल दिखाते हैं और अवाम की ज़हनी व नफ्सियाती कैफियात किस तरह किस तामीर व इस्लाही पैगाम की कबूलियत में रुकावट बनती हैं, और ये कि नई दावत के अलमबरदारों के लिए रास्ता कैसे और किन हालात में खुलता है, और हम यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन गिरामी, मदीने की इस्लामी हुकूमत ने कुरैश और यहूद के जंगी चैलेंजेस को जवाब जिस जुरअत और शुजात से दिया और भरपूर तरीक़ से दिया, इसका मकसद ये नहीं था कि तलवार के ज़ोर से कुछ लोगों को मैदान जंग में इस्लाम का कायल कर लिया जाए, बल्कि जंग जोयाना मुज़ाहमतों से अपना बचाव करने के साथ साथ मतलूब ये था कि आमतुन नास के हौसले बढ़ें, इनकी उम्मीदें मदीने की इनकलाबी क़ुव्वत से वाबस्ता हों, वो नज़रिए इस्लामी से एक रोशन मुस्तकबिल की ज़ुहूर की तवक्को करें और जाहिली निज़ाम के टूट जाने का इम्कान कम से कम इन पर वाज़ेह हो जाए। चुनांचे बद्र का वलीन मानिका हुआ तो हर चार जानिब से निगाहें ज़मीन के उस छोटे से टुकड़े पर लगी थी कि देखें पहले तसादुम में कौन किसको पछाड़ता है। अब जब ये मंजर आवाम के सामने आया होगा कि मुट्ठी भर मुस्लिम सिपाही जिनके पास ज़रूरत का सामान कम से कम हद तक भी मुकम्मल न था, उन्होंने अपने से तीन गुना तादाद के लश्कर जर्रार को बुरी तरह जख दे दी है और मक्के के नामी ग्रामी सरदारों का मां अबू जहल के सफाया कर दिया है, तो क्या सारे अरब में इस मुहय्यरुल उकूल वाक़े की धूम न मच गई होगी, इसके चर्चे और तस्करे घर घर न हुए होंगे और इसने राय आम पर गहरा असर न डाला होगा। इस वाक़े से पहली बार अरब में ये उम्मीद पैदा हुई होगी कि मदीने की इस्लामी ताकत महज कुछ ऐसे अल्लाह वालों पर मुश्तमिल नहीं है जो सारी उम्र मार खा खा कर खुदा की रज़ा और रूह की शांति हासिल करने के लिए भक्त बन गए हों, बल्कि इस ताकत के हाथों एक ना एक दिन काया पलट जाने वाली है। फिर वहद में मामला बराबर बराबर का रहा तो असरात भी बैन किस्म के रहे होंगे, यानी दरमियान के। इसके बाद खंदक का मारका पेश आया तो अरब ने देखा कि चारों तरफ से लश्कर के लश्कर एक तबाहकुन तूफ़ान की मानिंद उमड़ कर आए और महीना भर मदीने का मुहासरा करने के लिए छंट छंटा गए जैसे मुट्ठी भर भूखे से कोई फूंक मारकर उड़ा दे। इस वाक़े से असर बहरहाल फैला होगा कि मुस्लिम ताकत की जड़ें अब इतनी मजबूत हैं कि मुखालिफिन की मुत्तहिदा क़ुव्वत भी उनको नहीं हिला सकी। उन बड़े मारिकों के साथ साथ छोटी छोटी कबाइली क़यादतों की तरफ भी मदीने ने पूरी तवज्जो रखी। ये मकामी क़ियादतें चूँकि मुल्कगीर जाहिली निज़ाम क़ियादत की लंबी जंजीर ही की कड़ियाँ थीं और एक एक करके उनको तोड़े बगैर इस लंबी जंजीर से अवाम को रिहाई दिलाना मुमकिन न था, इसलिए उसकी कुछ कड़ियाँ तो दावत के असर से अज़ख़ुद टूट गईं। चूँचको माहिदाना और हलीफाना रवाबित के ज़रिए जंजीर जाहिलियत से काट लिया गया और बकिया ने जिधर से भी मुज़ाहमत के लिए सर उठाया, इस्लामी हुकूमत ने फ़ौरन उधर तवज्जो की और वक्त के वक्त सरकूबी कर दी। बागियों, चोरों, डाकुओं, जंगजुओं, शूरिश पसंदों की ऐसी मुतवातिर और बरवक़्त खबर ली गई जैसे कि मलाए आला की तरफ शयातीन के रुख करने पर शहाबों से उनकी तवाज़ु की जाती है। मदीने के आसपास लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह जमा दिया गया और पुरमन माहौल पैदा कर दिया गया, वरना अगर चौतरफा बिखरे हुए आराब कबाइल को ज़रा भी ढील मिलती तो मदीने की पहली मुनज़्ज़म हुकूमत का तजुर्बा इब्तिदाई में नाकाम हो चुका होता या हो गया होता। तारीख़ी रिकॉर्ड देखे तो हिजरत के पहले साल से लेकर फतह मक्का तक का दौर नित नई बगावतों, शूरिशों और इज्तिमाई फसादात से भरा पड़ा है। कल इधर जंगी इज्तिमा हो रहा था, आज उधर डाकुओं की टोलियां उठ खड़ी हुई, एक दिन इस जानिब किसी जत्ते ने गारत डाली, दूसरे दिन इस जानिब किसी दस्ते ने मदीने के शहरियों को घायल कर दिया। कोई जंगी साजिश इधर हो रही है, कोई बागियाना मनसूबा उधर बन रहा है, मगर मदीना खूब चौकस था। कहीं तलाया गर्दी की टोलियाँ निकल रही हैं, कहीं फौजी मुहिम की तरसील की जा रही है और कहीं पुलिस कार्रवाई के लिए कोई टीम रवाना हो रही है। इन सारे हालात में नाज़रीन गिरामी, अरब पर बहरहाल यह असर डाला होगा कि मुस्लिम ताकत लब बंद, आंख बंद और कान बंद किस्म की ताकत नहीं है, वो एक जिंदा बेदार और फ़ाल हुकूमत है जो चौमुखी लड़ाई लड़कर मुखालिफ कबाइल के बेशुमार महाजों से निमट रही है। एक ना एक दिन ये बाजी ले जाएगी।
फिर जब मदीने में यहूदी असर का खात्मा कर दिया गया होगा, उसके बाद मौजू वक्त आती है खैबर का मुखालिफ महाज तोड़ दिया गया होगा, तो अंदाज़ा किया जा सकता है कि राय आम्मा की फ़िज़ा कबूल दावत के लिए उन वाक़ात से किस तरह साजगार होती गई होगी। और फतेह मक्का के जलजले अफगन वाक़े ने अरब को इस सिरे से उस सिरे तक झंझोड़ कर जाहिलियत की नींद से जगा दिया होगा और इस्लाम ने नए दौर की अजान पुकार कर पैगाम दिया होगा कि उठो, उजाला हो गया। अब हर अंधे ने भी देख लिया होगा कि जाहिलियत मिटने वाली थी और मिट गई। अब इंतहाई कदामत पसंद मुकल्लिद और मरूब जहन के निचले तबकों को भी यकीन आ गया होगा कि कुरैश की फरसूदा क़यादत का दौर ख़त्म हो गया। अब हर मामूल तरीन अक़ल वाले बद्दू ने भी समझ लिया होगा कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम इल्म, किरदार, जिंदगी, हरकत, तरक्की, तामीर, नज़्म, अमन, इंसाफ और कुव्वत से आरास्ता करने वाला पैगाम है। और अवामी जहन ने अपने किवाड़ों की कुंडियाँ खोल दी होंगी और अपने रोजनों से पर्दे हटा लिए होंगे ताकि इस्लाम की शुआएं अंदर आ सकें। फिर उन जंगी कार्रवाइयों के अंदर खुद इस्लाम की दावत काम कर रही होती थी। ये लड़ाइयाँ महज तलवारों और तीरों की लड़ाइयाँ न थीं, ये अकीदों और नज़रियों और किरदारों की लड़ाइयाँ भी थीं। उन लड़ाइयों में मुस्लिम ताकत तकबीर का नया नारा लेके आई थी, वो मैदान जंग में भी ज़ौक़े रुकू व सुजूद अपने साथ लाई थी। वो दुश्मन के ख़िलाफ़ अगर पूरे जोश कुव्वत से हमलावर होती थी तो दूसरी तरफ दुश्मन के सामने वो अपने खुदा के हुजूर आजीज़ी से सर रखती थी। फिर उसका नई तर्ज का डिसिप्लिन था और उसके कवायद थे और उसके मखसूस अतवार थे। फिर वो शहादत और जन्नत और रज़ा इलाही और हयात अबदी के तस्वुरात लेके आई थी, जिनकी मस्ती में इसके सिपाही मौत की आँखों में आँखें डाल कर आगे बढ़ते थे और हंसते मुस्कुराते अपने मताए हयात अपने नज़्मुल आइन के कदमों में निछावर कर देते थे। फिर उनका एक दरख्शां जंगी अखलाक था। दूसरे लोग मौसीकी की तानों पर हरकत करते थे और इस्लामी तहरीक के जांबाज फ़कत नगमे तौहीद की तानों से तहरीक लेते थे। दूसरे लोग शराबें पी पी कर शुजात का मुजाहिरा करते और इस्लाम की सिफाई फ़कत एहसास से फ़र्ज के मुकद्दस सहबाज से सरशार होते थे। दूसरे लोग माल गनीमत के हवस लेकर जौहर दिखाते थे और मुहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों सिर्फ़ रज़ा इलाही की तलब में खाक व खून में लूट जाते थे। दूसरे लोग कौम, कबीले और नस्ल की असबियत में बहकर हमलावर होते थे, मगर अल्लाह के मुजाहिद सिर्फ दीन, हक और सच्चाई की हिमायत में मारकारा होते थे। नाज़ निगरानी में सिलसिला जारी रहेगा, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।